गुजरात हाईकोर्ट ने फेक वेबसाइट बनावी नकली हुकम करायो छे। गुजरात हाईकोर्टे दाखल करी सुओ मोटू अर्जी। आरोपी ना नकली हुकम ने आधारे आरोपी ने जामीन मुक्त करायो। हाईकोर्ट ना रजिस्ट्रार ने फरियादी बनाव्या। आ गुनामा संडुवायला लोको सामे फौजदारी छेतरपिंडी नो गुनो नोंधाशे। मोटा समाचार, गुजरात हाईकोर्टे दाखल करी छे सुओ मोटू अर्जी। गुजरात हाईकोर्ट ने फेक वेबसाइट बनावी अने नकली हुकम कर्यो छे। आरोपीना नकली हुकमना आधारे आरोपी ने जामीन मुक्त करायो छे अने संडोवायला लोको सामे फौजदारी छेतरपिंडीनो पण गुनो नोंधाशे। गुजरात हाईकोर्टे दाखल करी सुओ मोटू अर्जी। गुजरात हाईकोर्टनी अंदर नकली वेबसाइट पर बनावी अने हुकम करायो। आरोपीना नकली हुकम ने आधारे आरोपी ने जामीन मुक्त करायो। गुजरात हाईकोर्टना रजिस्ट्रार ने फरियादी बनाव्या। संडोवायला लोको सामे फौजदारी छेतरपिंडीनो गुनो नोंधाशे। गुजरात हाईकोर्टना फेक वेबसाइट बनावी जे नकली हुकम करायो छे तेना आरोपी सामे कार्यवाही। आशका फोनलाइन पर जोड़ाया छे। आशका, फेक जे रीते हालमां वेबसाइट बनावी अने त्यारबाद तेमांथी नकली हुकम पण करायो, हवे समग्र विगत शुं छे अने शुं कार्यवाही? चोक्कस ख्याति जी रीते कही शकाय के गुजरात हाईकोर्टनी जे वेबसाइट छे ए पण हवे सुरक्षित नथी रही, कारण के हाईकोर्टनी नकली वेबसाइट बनावी अने जे जामीननो फेक ऑर्डर बनाव्यो छे तेने लईने गुजरात हाईकोर्टे सुओ मोटू दाखल करी छे। आरोपीनी नकल जे हती जे हुकमनी लईने ते लोकोए जामीन मेळव्या छे तेने लई अने हाईकोर्टे गंभीरता दाखवी छे, जेथी कोर्टने जाण थता कोर्टे दाखल सुओ मोटू दाखल करी छे ने रजिस्ट्रारने पण आ मामले फरियादी बनाव्या छे। गुनो संડોવાયેલા લોકો તમામ લોકો સામે ફોજદારી અને છેતરપિંડીના કાવતરા હેઠળ ગુના નોંધી અને તેમની સામે ફોજદારી કાર્યવાહી કરવામાં આવે તેવો હાઈકોર્ટે આદેશ કર્યો છે। અને આ રીતે ખોટી વેબસાઇટ બનાવી અને જ્યારે હાઈકોર્ટ જેવી કાયદાની સંસ્થા સાથે જ્યારે છેતરપિંડી થતી હોય ત્યારે ગંભીર ગુનો બની જાય છે તેવું પણ હાઈકોર્ટે અવલોકન ટાંક્યું છે। જી જી, આભાર આપનો માહિતી બદલ।